के छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं, हमारी तैयारियां जो है हमने अभी से शुरू कर दी हैं। आज एडिशनल एसपी सीओ साहब ने राउंड किया है यूनिवर्सिटी का। देखिए, मैं इस बारे में, हालांकि हमारी अभी मीटिंग होगी छात्रों के साथ में और उन कैंडिडेट के साथ में भी जो कि इसमें एस्पायरेंट हैं, इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, प्राध्यापक वगैरह हैं, उनके साथ भी मीटिंग होगी। हम पूरी तरह से जो लिंक दो कमेटी है उसके सिफारिशों को पालना कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोई भी चुनाव प्रचार जो है वो कॉलेज परिसर, यूनिवर्सिटी परिसर से बाहर नहीं हो, इसके लिए लड़कों से बात की जाएगी और इसे पूरी तरह लागू कराया जाएगा। लिंक दो कमेटी की सिफारिशें बहुत ही स्पष्ट हैं, सभी छात्रों को इसकी जानकारी दी जाएगी कि उन्हें किस प्रकार से, किस दायरे में रहते हुए अपने चुनाव को प्रचार करना है और किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से बिना अन्य लोगों को इस बात का एहसास कराए कि उनके चुनाव हो रहे हैं, चुनाव को संपन्न कराने में प्रशासन का मदद करना है। हम पहले भी चुनाव हर जगह पर लगातार हर साल होते रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होते रहे हैं। हम इसको लगातार, इस परंपरा को मेंटेन रखेंगे। छात्रों से ये अपील भी करेंगे कि वो अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज का नाम, उसका ध्यान रखें। छात्रों को खुद की अपनी भी एक वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि उनकी छवि खराब नहीं हो। छात्र संघ चुनाव किसी को भी किसी प्रकार से आमजन को परेशान नहीं करें, उस दायरे को ध्यान में रखते हुए पूरे चुनाव का इंतजाम किया जाए। नहीं, छात्र, देखिए, लिंक दो कमेटी की सिफारिशें बहुत ही क्लियर हैं। एक तो छात्र कोई भी प्रचार प्रसार अपने यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज के प्रमिसेस से बाहर नहीं कर सकते। अव्यवस्था फैलाने पर तो आईपीसी के बहुत सारे प्रावधान हैं, अगर वो कोई भी कानून अपने हाथ में लेते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर मैं जितना समझता हूँ, छात्रों को यदि इस बात का एहसास होता है, उन्हें बताया जाता है कि क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से लिंग दो की कमेटी की सिफारिशें उन्हें रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि वो अपना प्रचार प्रसार अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं ले जाएं, उन्हें इस बात का एहसास होता है, तो वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करते हैं जो उनके भविष्य के लिए किसी प्रकार से कानूनी पिछड़ों में उनको उलझाए और वो शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में हमेशा मदद करते हैं। भारतीय छात्र भी आए थे चुनाव दौरान। चुनाव के दौरान, देखिए, चुनाव में हमेशा ही ये नियम होता है कि कोई भी बाहर के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी के लोगों को ही केवल ये अधिकार है कि वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यदि बाहर के लोग आएंगे और लगातार, एक तो इसमें कॉम्बिंग होती रहेगी, लगातार चेकिंग अभियान होते रहेंगे, बाहर के लोग यदि यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।